हेलो फ्रेंड्स, आईडी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विनोद जांगड़ा, एक लेटेस्ट है प्रैक्टिकल जॉब के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पावर ट्रांसमिशन यानी शक्ति संचालन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो साथ में प्रिय विद्यार्थियों, हमने एक जॉब बनवाई हुई है सपर गियर की। साथ में तो जॉब बना ली गई है और जैसे जैसे ये जॉब को कंप्लीट किया गया है, साथ साथ में बच्चों को ये भी बता दिया गया है कि पावर ट्रांसमिशन गियर के द्वारा कैसे किया जाता है। तो आपके सामने जो गियर जो नज़र आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट आईटी आदमपुर के बच्चों का हुनर है। उनके द्वारा ये गियर तैयार किए गए हैं। पहले सफर गियर तैयार किया गया, उसके बाद में उसको रिपेयर किया गया, ठीक है ना। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है सपर गियर, ठीक है ना। गियर का प्रयोग पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हमने एक सपर गियर बनवाया, उसके बाद में गियर को कैसे रिपेयर किया जाता है। ये देखिए, यहाँ से एक दांता हमने कट किया, यहाँ से एक टीथ को डवटेल तैयार किया हुआ। ये देखिए, बड़ा मुश्किल होता है ये काम करना, ठीक है ना। सेम पूरा एज इट इज तैयार करने के बाद चेक कर लिया गया, उसके बाद में एक दांता यहाँ से हटवा दिया गया और उसके बाद में ये देखिए, ये डवटेल आकार में तैयार करके बच्चों के द्वारा यहाँ से इसके अंदर फिट करवा दिया गया, ठीक है ना। क्योंकि इसको बनाने के लिए इंटरचेंजेबिलिटी क्वालिटी, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से, ये छोटा सा बड़ा मतलब बारीक काम है, फिर भी देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको फिट किया हुआ है, ठीक है ना। एज इट टीथ है वो लगा दिया गया है यहाँ पे, उसके बाद ये देखिए बीच में एक शाफ्ट लगाई गई है यहाँ पे, ठीक है ना। ताकि आपको बच्चों को ये भी बताया जाए कि भी इसके अंदर शाफ्ट कैसे लगाया जाता है और फोर्स फिट के द्वारा इस शाफ्ट को लगाया जाता है। दूसरा प्रिय विद्यार्थियों, ये जो टीथ जो है, इसको कभी लूज नहीं छोड़ा जाता, इसको हमेशा फोर्स फिट के द्वारा फिट किया जाता है। हमने भी एक जॉब के अंदर काफ़ी बच्चों से करवाई थी, आपको दिखाएंगे अभी ये वाली। ये देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे इस स्थान पे फोर्स फिट के द्वारा इसको फिट किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह ये दांता फिट होना था, इसलिए मैंने इसको लूज रखवा दिया है ताकि आपको भी पता चले भी कैसे कैसे टीथ को रिपेयर किया जाता है। वैसे तो दो तीन विधियां हैं रिपेयर करने के लिए, ठीक है। इस विधि में हम सफर गियर को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए, आप इसकी क्वालिटी दिखाते हैं जो कि भी कैसे कैसे बनाया हुआ है। नंबर एक तो फिनिशिंग देखिए, पूरा का पूरा काम ये हाथ से किया हुआ है, फाइल से किया हुआ है, ठीक है ना। इनके जो टीथ बनाए गए हैं, इनकी एक्यूरेसी देखिए। गियर को बनाना बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान काम नहीं है ये। इसके बाद ये टीथ है, इनको चैम्फर कर दिया गया है एक एक डिग्री के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सारे गियर हैं बिल्कुल जो आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं। इनकी जब ये बनके जैसे तैयार होती है तो इनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त होती है कि मैं भी जज नहीं कर पाता कि किस विद्यार्थी की जॉब कितनी अच्छी है। दूसरा, क्योंकि जॉब को बने हुए 1 वीक हो गए तो इसलिए तो कुछ ना कुछ जंग वगैरह आपको पता है कि MS की होती है तो आ जाता है। फिर भी क्वालिटी देखिए, मैं खुद नहीं जज कर पा रहा हूँ कि सबसे बेटर जॉब कौन सी है, अच्छी जॉब कौन सी है। अब आपको बताएंगे कि पावर ट्रांसमिशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे शक्ति संचालन। शक्ति संचालन यानी पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करेंगे, पावर ट्रांसमिशन की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन मुख्य प्रिय विद्यार्थी दो प्रकार की है, ठीक है। एक होता है सीधा ड्राइव, एक होता है संयुक्त ड्राइव। सीधा ड्राइव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल ड्राइव, और संयुक्त को क्या बोलते हैं, कॉमन ड्राइव। कॉमन भी बोल सकते हैं, ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे भी कॉमन ड्राइव क्या होता था, ठीक है ना। जो पुराना जो युग था, पहले का जो युग था, उसमें जो संयुक्त जो था, कॉमन ड्राइव था, वो अधिक प्रयोग किया जाता है। तो कॉमन ड्राइव जो है ये साथ में जॉब बन गई है और इसके अंदर प्रैक्टिकल आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कॉमन था। आप भी कहोगे कि सर हमें भी बिल्कुल इजी तरीके समझ आ गया है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, कॉमन के अंदर क्या था, संयुक्त ग्रुप के अंदर पावर ट्रांसमिशन कैसे की जाती थी। मान लीजिए कि ये एक मोटर है, इंजन है, ठीक। इस इंजन को मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। अब मैं क्या काम करूँ, इस इंजन के द्वारा, इस मोटर के द्वारा एक शाफ्ट के ऊपर तीन सिस्टम लगाए हुए हैं, ठीक है ना। एक शाफ्ट के ऊपर तीन सिस्टम कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक चक्की लगाई हुई है, ठीक है, वो क्या काम करती है, मसाला पीसती है। यहाँ पे दूसरी चक्की लगाई हुई है जो आटा बनाती है। यहाँ पे तीसरा सिस्टम क्या लगाया हुआ, तेल निकालने का काम इसके ऊपर इस सिस्टम पे होता है। पावर कहाँ से मिलती है, एक से मिलती है ना। तो देखेंगे ये तीनों घूमेंगे या नहीं घूमेंगे, एक पावर से। ये पावर मैं लगाऊंगा यहाँ पे, ये लगा दी, और यानी ये मोटर ये देखिए। तो ये आपका संयुक्त कॉमन ड्राइव है। कौन सा है, संयुक्त बोल सकते हैं, कॉमन बोल सकते हैं, ग्रुप में बोल सकते हैं, है ना। मोटर एक है और काम कितने हो रहे हैं, तीन काम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये संयुक्त था। इसकी हानियाँ बहुत ज़्यादा है। अगर एक मोटर डेड हो गई, ये शुरू वाली जल गई मान लीजिए, या इंजन है ख़राब हो गया, तो हमारे तीनों काम डेड हो जाएंगे, ठीक है। नंबर एक हानि ये है। नंबर दो हानि क्या रहेगी, इसके लिए जगह की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज रहेगा, ठीक है ना। तीसरी हानि क्या रहेगी इसमें, कि इसमें दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि जैसे बेल्ट चलेगी तो ये स्थान ज़्यादा घेर लेता है। पांचवा नंबर पे क्या रहेगा इसका डिसएडवांटेज, कि इसे लगाना, जैसे मान लीजिए कि आपकी बड़ी मशीन है, इसको कॉमन जो ड्राइव होता है, इन मशीनों को लगाना बराबर दूरी पे, क्योंकि जगह कम होती है ना, तो इस वजह से, क्योंकि पास पास भी लगानी है, जगह भी कम है, तो इस वजह से मतलब दिक्कत आती है। कोई जिस तरह क्रेन वगैरह हम इसके अंदर नहीं ला सकते, बड़ा जो सिस्टम होता है इंडस्ट्री टाइप में, फैक्ट्री टाइप में। तो कॉमन ड्राइव आजकल प्रचलित नहीं है, आपको समझ आ गया ना, अभी एक मोटर से कई काम किए जा सकते हैं। दूसरा ड्राइव मैंने यहाँ भी आपको समझाने के लिए, देखिए चार काम है और मोटर एक है, ये देखिए। तो ये प्रिय विद्यार्थियों संयुक्त था। अब आपको बताएं इंडिविजुअल के, यानी सीधा ड्राइव। आजकल आधुनिक युग के अंदर इंडिविजुअल प्रयोग अधिक किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक ही मोटर होती है और एक ही आगे सिस्टम होता है, ठीक है। ये मैंने मोटर लगाई हुई है, मान लीजिए कि भी मैं आटा पीसने का भी काम इसके द्वारा किया जा रहा है, या फिर मसाला पसाई का भी रहता है, जैसे रुई वगैरह, जैसे पीनने का जो काम रहता है, बनाने का जो काम रहता है, इसमें ऐसे चलता है, ये देखिए, ठीक है ना। एक मोटर के द्वारा एक काम। इसमें फ़ायदा क्या है, कि अगर मान लो मैं एक साथ 10 काम कर रहा हूँ, अगर एक मोटर चलती है तो मेरे और 9 काम हैं वो पैरेलल चलते रहेंगे, यानी एक ही काम बंद होगा। और इसमें क्या था, सारे काम बंद हो जाते, इसमें एक ही काम बंद होगा, ठीक है ना। इसको लगाना आसान होता है और इसके लिए स्थान कम रहेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा इंडिविजुअल और सीधे में क्या फ़र्क रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।